नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता परोसने वाले अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ द्वारा चौथे स्तंभ पर ओछी टिप्पणी किए जाने से आहत, सामाजिक संगठन प्रयास ने आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट चौराहे पर निरहुआ का प्रतीकात्मक पुतला फूंक कर उनके बयान की भर्त्सना की। विगत दिनों अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ द्वारा इनकी आने वाली फिल्म पर अपना लेख लिखने वाले पत्रकार शशिकांत सिंह पर ओछी टिप्पणी व गाली दिए जाने से आहत सामाजिक संगठन के लोगों ने निरहुआ का प्रतीकात्मक पुतला फूंका। पुतला दहन के दौरान प्रयास अध्यक्ष रणजीत सिंह ने बताया कि जबरदस्ती खुद की फिल्म को अन्य फिल्म से बेहतर बताकर वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत सिंह को फोन पर कानून को ताक पर रखते हुए अशोभनीय व अमर्यादित टिप्पणी करना, भोजपुरी फिल्म को अश्लीलता की हद तक ले जाने वाले अभिनेता जो भोजपुरी संस्कृति के पतन के जिम्मेदार हैं, शब्दों की मर्यादा को भूलकर भोजपुरी फिल्मों में नग्न तांडव करने वाले जो निंदनीय हैं, सभ्य समाज इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हम लोग जो है दिनेश लाल निरहु का पुतला फूके हैं और इनकी अभद्र टिप्पणी के खिलाफ इन्होंने पत्रकार के साथ जो जिस तरीके का अभद्र बर्ताव किया और जो गाली गलौज किया उसको हम लोगों ने सुना रिकॉर्डिंग के माध्यम से और इसकी हम लोग कड़ी भर्त्सना करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग आकर के जब से आप फिल्म इंडस्ट्री भोजपुरी में आए इन्होंने भोजपुरी को एकदम कबाड़ा कर दिया, घर परिवार में सुनने लायक नहीं छोड़ा और आज इस तरीके का जो व्यवहार कर रहे हैं हम लोग इससे काफ़ी जो है आहत हैं और ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।